हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। एंड गाइस, ये है ना बजाज की पल्सर N125। 3-4 दिन पहले ही ये गाड़ी लॉन्च हुई है इंडियन मार्केट में और ये अभी ना शोरूम पर भी अवेलेबल होने लगी है। आप अपने नज़दीकी शोरूम पर जाकर चेकआउट कर सकते हैं, टेस्ट ड्राइव भी ले सकते हैं। एंड ये है इसका टॉप एंड वेरियंट एंड ये है इसका बेस वेरियंट। दोनों में ना लगभग 3 से 4 हज़ार रुपये का ही डिफरेंस देखने को मिलता है। और भाई, इस वीडियो में ना मैं आपको दोनों को कंपेयर करके बताऊँगा कि आपको कौन सा लेना चाहिए और मतलब कौन सा ज़्यादा वैल्यू फॉर मनी पैकेज प्रोवाइड करता है। सारी चीज़ें मैं डिटेल में बताने वाला हूँ, तो प्लीज़ वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। वीडियो अगर पसंद आए तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो चलिए शुरू करते हैं। बात करें ना इस गाड़ी के प्राइसिंग के बारे में, तो भाई इसका जो ये टॉप एंड वेरिएंट है, इसकी प्राइस 1,30,500 रुपये रखी गई है अयोध्या उत्तर प्रदेश में। एंड बात करें इसकी प्राइस की, तो इस गाड़ी की प्राइस 1,17,000 रुपये है ऑन रोड अयोध्या उत्तर प्रदेश में। तो चलिए देखते हैं मतलब इतने प्राइस में आपको क्या कुछ ऑफर किया जा रहा है बजाज कंपनी की तरफ से। एंड बात करें फ्रंट लुक की, तो भाई फ्रंट से ना आप देखेंगे तो कोई भी डिफरेंस देखने को नहीं मिलता दोनों ही वेरिएंट में। यहाँ पे आप देखेंगे तो इसका मीटर कंसोल प्लेस किया गया, नंबर प्लेट के लिए जगह मिल जाती है। एंड ये पूरा ना ग्लॉसी फिनिश में दिया गया ब्लैक कलर में, जो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। यहाँ पे मैट फिनिशिंग देखने को मिल जाती है, काफ़ी अच्छी लग रही है। एंड इस दोनों वेरियंट में ना आपको LED हेडलाइट दी जा रही है, जिसकी क्वालिटी काफ़ी अच्छी है। मतलब इसके ब्राइटनेस से ना आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। हाई बीम लो बीम दोनों ही आपको LED में ही देखने को मिल जाती है। एंड यहाँ पे आप देखेंगे ना तो ये फेयरिंग इसकी काफ़ी बढ़िया लग रही है, मतलब बॉडी कलर में देखने को मिल जाती है। यहाँ पे हनीकॉम डिज़ाइन में ना इसका स्टिकर दिया गया है, लेकिन आप यहाँ पे देखेंगे ना तो यहाँ पे मतलब नॉर्मल सा स्टिकर दिया जा रहा है बेस वेरिएंट में। फ्रंट से ना आपको सिर्फ स्टिकर का ही डिफरेंस देखने को मिलेगा, बाकी सारी चीज़ें बिल्कुल सेम ही दी गई हैं। यहाँ से आप देख सकते हैं मतलब कोई भी डिफरेंस आप पता नहीं लगा पाएंगे फ्रंट से। बात करें टायर की, तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं 80x100 17 सेक्शन का इसमें फ्रंट में ट्यूबलेस टायर मिल जाता है बेस वेरिएंट में। अलॉय व्हील ना इसका मतलब देखेंगे तो बिल्कुल जो नई वाली NS125i है ना, अपडेटेड वेरिएंट, जिसमें 120 सेक्शन का टायर दिया जा रहा है, सेम क्वालिटी का ना इस गाड़ी में अलॉय व्हील देखने को मिल जाता है। मतलब सेम वही NS125 वाला अलॉय व्हील इस गाड़ी में दिया गया है। एंड इसमें भी आपको सेम टायर वगैरह देखने को मिल जाता है। टायर सेक्शन यहाँ पे मैं आपको एक बार दिखा देता हूँ, ये देखिए 80x100 17 सेक्शन का इसमें भी टायर दिया गया फ्रंट में। एंड ये जो मतलब बॉडी कलर में ये पैनल दिया गया ना, ये काफ़ी अच्छा लग रहा है। बात करें डिस्क ब्रेक की, तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं इंड्योरेंस का ना इसमें सस्पेंशन दिया जा रहा है। एंड ब्रेकिंग इस गाड़ी की काफ़ी बढ़िया होने वाली है, क्योंकि इंड्योरेंस की इसमें ब्रेक कैलिपर यूज़ किए गए हैं, डुअल पिस्टन ब्रेक कैलिपर इस गाड़ी में दिया गया है। बात करें डिस्क ब्रेक साइज़ की, तो भाई 240 mm की ना इसमें डिस्क ब्रेक मिल जाती है। एंड अलॉय व्हील का लुक काफ़ी बढ़िया दिया गया, यहाँ पे ग्राफिक्स भी देखने को मिल जाती है हनीकॉम पैटर्न में। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ना तो यहाँ पे मतलब डिफरेंट टाइप का ग्राफिक्स दिया गया इसके अलॉय व्हील पे। एंड डिस्क ब्रेक ना दोनों का बिल्कुल सेम है, आप देख सकते हैं 240 mm की डिस्क ब्रेक इसमें भी मिल जा रही है। इंड्योरेंस का ना इसमें सस्पेंशन और ब्रेक कैलिपर दिया जा रहा है, देख सकते हैं आप दोनों मतलब सिमिलर ही देखने को मिल जा रहा है। और भाई दोनों में ना आपको ABS चैनल नहीं देखने को मिलता, ना ही टॉप एंड वेरियंट में ना ही इसके बेस वेरियंट में। मतलब जब टॉप वेरियंट में नहीं मिलता तो बेस वेरियंट में कहाँ ही देखने को मिलेगा। मडगार्ड दोनों का बिल्कुल सेम है, आप देख सकते हैं मैट फिनिशिंग में ना इसका मडगार्ड दिया गया है। रिफ्लेक्टर दोनों तरफ मिल जाता है दोनों ही गाड़ियों में। एंड सस्पेंशन 35 mm का इसमें दिया गया है, टेलीस्कोपिक सस्पेंशन आप देख सकते हैं। कवर इसमें भी दिया जा रहा है, एंड कवर इसमें भी दिया गया है, जो इसके लुक्स को ना काफ़ी ज़्यादा इन्हेंस कर देता है। अगर ये कवर ना होता ना तो ये गाड़ी काफ़ी अटपटी सी लगती, लेकिन ये कवर होने की वजह से काफ़ी अच्छा लुक प्रोवाइड कर रही है फ्रंट से। एंड हेडलाइट इसकी मैंने आपको बता दिया, वाली इसमें हेडलाइट मिल जाती है, इंडिकेटर इसका हैलोजन बल्ब के साथ में ही दिया गया है दोनों गाड़ियों में। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं सेम फ्रीडम टाइप का ना इस गाड़ी में इंडिकेटर दिया गया, इसको ऑन करके भी दिखा देता हूँ। ये देखिए हैलोजन बल्ब के साथ में इंडिकेटर देखने को मिल जाता है। बात करें लाइट की, तो भाई ये कुछ इस तरीके की ना इसमें लाइट दी जा रही है, मतलब काफ़ी पावरफुल लाइट इस गाड़ी में आपको देखने को मिल जाती है। बात करें साइड लुक की, तो भाई साइड से भी काफ़ी अच्छी लगती है गाड़ी, ये देखिए कुछ ऐसी दिखती है साइड से, काफ़ी बढ़िया लगती है। इसका टैंक वगैरह ना बिल्कुल N160 की तरह ही दिया गया, यहाँ पे पल्सर की बैजिंग मिल जा रही है। एंड ग्राफिक्स वगैरह इसका आप देख सकते हैं, मतलब काफ़ी बढ़िया सी इसमें ग्राफिक्स की गई है, लेकिन पल्सर लिखा हुआ नहीं मिलता बेस वेरियंट में। यहाँ पर आप देखेंगे ना तो यहाँ पर पल्सर की स्टिकरिंग की गई है, यहाँ पर ब्लैक एंड ब्लू कलर में ना पल्सर लिखा हुआ मिल जाता है, जो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। एंड हनीकॉम पैटर्न में ना यहाँ पे भी ग्राफिक्स दी गई है, एंड यहाँ पे भी आपको ग्राफिक्स देखने को मिल जाएगी। यहाँ पे आप देखेंगे तो सिर्फ N लिखा हुआ मिल जाता है बेस वेरिएंट में। एंड ग्राफिक्स ना इसकी काफ़ी अच्छी लग रही है, लेकिन पल्सर वगैरह ना इसमें नहीं देखने को मिलता। यहाँ पे मैट फिनिशिंग का यूज़ किया गया, जो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। एंड इसका जो इंजन का हेड है ना, ये फाइबर में ही देखने को मिलता है इसमें भी, एंड इसमें भी फाइबर में ही दिया गया। सिंगल प्लग के साथ में आती है गाड़ी, ग्लॉसी ब्लैक फिनिश में इंजन दिया जा रहा है, यहाँ पे बजाज लिखा हुआ मिल जाता है। बात करें इसके इंजन स्पेसिफिकेशन के बारे में, तो भाई इसमें 125 cc का सिंगल सिलेंडर एयर कूल्ड इंजन दिया जा रहा है, जो 12 PS की पावर एंड 11 Nm का टॉर्क प्रोड्यूस करता है। सेम NS125 वाला इसमें ना इंजन दिया जा रहा है, लेकिन भाई पावर फिगर को ना काफ़ी ज़्यादा इंक्रीज़ कर दिया है
उसके कंपैरिजन में, और जिसकी वजह से ना 125 सीसी सेगमेंट में ये गाड़ी सबसे ज़्यादा पावरफुल बन जाती है। मतलब इससे ज़्यादा पावर आपको किसी भी गाड़ी में भी नहीं देखने को मिलेगी। अगर आप एक्सट्रीम 125 से भी कंपेयर करेंगे ना, तो उससे भी ज़्यादा पावरफुल इस गाड़ी का इंजन दिया गया है। मतलब पावर वगैरह से ना आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाली है। 198 mm की ना इसमें ग्राउंड क्लियरेंस दी जा रही है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। मतलब इस गाड़ी से ना आप थोड़ी बहुत ऑफ रोडिंग भी कर सकते हैं, और मतलब कहीं पर भी ले जा सकते हैं। जो आपको इस सेगमेंट में ना इतने ज़्यादा ग्राउंड क्लियरेंस कोई भी गाड़ी नहीं ऑफर कर रही है। यहाँ पे ब्रेक लीवर फुटरेस्ट दोनों मिल जाती है, एंड यहाँ पे आप देखेंगे तो किक स्टार्ट का ऑप्शन भी देखने को मिल जा रहा है, जो रेडर 125 में नहीं देखने को मिलता। मतलब टॉप एंड वेरिएंट में भी किक का ऑप्शन मिल जा रहा है, एंड बेस वेरिएंट में भी ना किक का ऑप्शन दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। एंड जो सबसे बड़ा डिफरेंस है ना इसके इंजन में, यहाँ पे आप देखेंगे तो यहाँ पे सेल्फ प्लेस किया गया है, सेल्फ मोटर जो इसके इंजन को स्टार्ट करता है। लेकिन यहाँ पे आप देखेंगे ना टॉप एंड वेरिएंट में, तो यहाँ पे ना सेल्फ नहीं प्लेस किया गया है सेल्फ मोटर। ये ना साइलेंट स्टार्ट के साथ में ये वाला इंजन आता है, मतलब काफ़ी आराम से स्टार्ट हो जाता है। जैसे होंडा की गाड़ियों में चेक करेंगे ना, बिल्कुल सेम टेक्निक इस गाड़ी में यूज़ की जा रही है बजाज की तरफ से। यहाँ पे आपको उसका इंजन दिखा देता हूँ, ये देखिए किक स्टार्ट इसमें भी मिल जाता है, उसमें भी दिया गया है। सिंगल प्लग के साथ में ये वाला इंजन भी आता है। यहाँ पे ब्रेक लीवर फुटरेस्ट सारी चीज़ें देखने को मिल जाएंगी, एंड कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम इस वाले वेरिएंट में भी देखने को मिल जाता है, एंड उसमें भी कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम दिया गया है। एंड इसका एग्जॉस्ट ना जैसे बेली पैन के नीचे फिट किया गया, जो आपको सेम NS125 एंड 160-150 में भी देखने को मिल जाता है। एंड स्विंग आर्म इसका बॉक्स टाइप का दिया गया, जो मतलब अच्छा लग रहा है। एंड बात करें रियर सस्पेंशन की, तो भाई रियर में आप देखेंगे मोनो शॉक सस्पेंशन इसमें दिया गया है, 5A एडजस्टेबल के साथ में आता है। एंड यहाँ पे टायर हैगर वगैरह यहाँ पे प्लेस किया गया, आप देख सकते हैं। एंड कॉम्बी ब्रेकिंग सिस्टम इसमें दी जा रही है, लेकिन जैसे आप नॉर्मल कोई गाड़ी देखेंगे ना, तो उसमें नीचे ही दोनों प्लेस किया जाता है। लेकिन इस गाड़ी में ना एक ऊपर दिया गया है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, एक यहाँ पे प्लेस किया गया और दूसरा यहाँ पे दिया गया, मतलब ब्रेकिंग के लिए। बात करें रियर टायर की, तो भाई रियर में इसमें आपको बेस वेरिएंट में ना आपको सीएट का टायर देखने को मिलता है, एंड उसमें MRF का टायर दिया गया टॉप एंड वेरिएंट में। बात करें टायर सेक्शन की, यहाँ पे आप देख सकते हैं 100x90 17 सेक्शन का ना इसमें टायर दिया गया इसके बेस वेरिएंट में। फुटरेस्ट मिल जाता है पैसेंजर के लिए। एंड बात करें सीट की, तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं इस गाड़ी की सीट पल्सर की बैजिंग मिल जा रही है, एंड सीट की क्वालिटी काफ़ी अच्छी है, कुशनिंग वगैरह ना एक नंबर की देखने को मिल जाएगी। मतलब राइडर एंड पिलियन के लिए ना सीट काफ़ी अच्छी क्वालिटी की दी जा रही है। यहाँ पे इसका सीट कवर आप देख सकते हैं, N125 की बैजिंग मिल जा रही है। स्टिकरिंग वगैरह यहाँ पे किया गया है, जो काफ़ी अच्छा लग रहा है। बॉडी कलर में ना इस गाड़ी का सीट कवर दिया गया है, बाकी यहाँ पे पूरा मैट फिनिशिंग देखने को मिल जाती है। स्टिकरिंग भी यहाँ पे की गई है, जो काफ़ी बढ़िया लग रहा है। एंड कुछ इस तरीके का इसमें सीट कवर देखने को मिल जाता है। बात करें ग्रैब हैंडल की, तो भाई यहाँ पे आप इसका ग्रैब हैंडल भी देख सकते हैं, काफ़ी स्ट्रॉन्ग ना इस गाड़ी का ग्रैब हैंडल दिया गया है, सिंगल ही देखने को मिल जाता है। बात करें रियर लुक की, तो भाई रियर से ना कुछ ऐसी दिखती है गाड़ी। यहाँ पे इसका टायर हगर प्लेस किया गया है, नंबर प्लेट के लिए लाइट मिल जाती है हैलोजन बल्ब वाली, एंड यहाँ पे रिफ्लेक्टर नंबर प्लेट के लिए जगह मिल जा रही है। एंड इसमें आपको रियर में LED टेल लाइट दी जा रही है, जो सेम आपको उसमें भी देखने को मिल जाएगी टॉप एंड वेरिएंट में। एंड इंडिकेटर इसका आप देख सकते हैं दोनों सिमिलर ही है दोनों गाड़ियों में, लेकिन हेजार्ड लैम्प का फीचर ना इसमें बेस वेरिएंट में मिलता है, ना ही टॉप एंड वेरिएंट में देखने को मिलता है। बाकी इसकी LED टेल लाइट मैं आपको ऑन करके भी दिखा देता हूँ, ये देखिए काफ़ी यूनिक सी ना इस गाड़ी में लाइट दी जा रही है। एक बार वाइड एंगल में आपको दिखा देता हूँ, भाई लाइट मैंने आपको इसका दिखाई दिया। बात करें इस साइड की, तो भाई यहाँ पे ओपन चैन कवर इसमें दिया जा रहा है, जो इसके टायर हगर में ना प्लेस किया गया है, दोनों जॉइंट ही देखने को मिल जाता है। सस्पेंशन मैंने आपको बता ही दिया, एंड स्विंग आर्म वगैरह इसका आप देख सकते हैं। फुटरेस्ट यहाँ पे दिया गया है, एंड इस गाड़ी में ना आपको लेडीज़ फुटरेस्ट भी लगा के दिया जाएगा, साड़ी गार्ड वगैरह ना इसमें फिट करके दिया जाएगा कंपनी मतलब शोरूम की तरफ से। बाकी यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड स्टैंड डुअल स्टैंड दिया गया है, साइड स्टैंड इंजन का टॉप सेंसर के साथ में आती है। फुटरेस्ट गियर लीवर यहाँ पे प्लेस किया गया है, 5-speed मैनुअल ट्रांसमिशन के साथ में मतलब आती है ये गाड़ी, एक नीचे और चार ऊपर लगा सकते हैं। यहाँ पे इंस्ट्रक्शन भी दिया जा रहा है, ये ना पूरा फाइबर में दिया गया, जो आपको सेम NS125 में भी देखने को मिल जाता है। बाकी यहाँ पे ऑक्सीजन सेंसर कैटिलिटी कन्वर्टर सारी चीज़ें मिल जाएंगी। सिंगल हॉर्न के साथ में आती है ये गाड़ी, मतलब बेस वेरिएंट, एंड टॉप एंड वेरिएंट में भी आपको सिंगल हॉर्न ही देखने को मिलेगा, वहाँ पे आप देख सकते हैं। इसमें सिर्फ इंजन में सिर्फ यही एक डिफरेंस देखने को मिलता है, इसमें सेल्फ स्टार्ट मतलब मोटर दिया जा रहा है, ये साइलेंट स्टार्ट के साथ में आती है। एंड बात करें सबसे बड़े चेंजेस के बारे में ना, तो यहाँ पे आप देखेंगे तो इसमें तो 100 सेक्शन का टायर मिल जाता है, यहाँ पे मैंने आपको दिखा भी दिया। लेकिन इस वाले वेरिएंट में ना टॉप एंड वेरिएंट में आप देखेंगे तो पहले तो इसमें ना MRF का टायर दिया जा रहा है, यहाँ पे आप देख सकते हैं, और 110 80 17 सेक्शन का इसमें वाइड टायर दिया जा रहा है उसके कंपैरिजन में। मतलब 10 mm ना वाइड इस गाड़ी का टायर दिया गया है उसके कंपैरिजन में। बाकी ग्राफिक्स वगैरह अलॉय व्हील पे की गई है, 130 mm की ड्रम ब्रेक मिल जाती है, एंड इसमें भी 130 mm की ड्रम ब्रेक दी जा रही है, एंड टायर इसका 100 सेक्शन का दिया गया है।
एंड रियर लुक कुछ इस तरीके का देखने को मिल जाता है, मतलब दोनों का रियर लुक सेम ही है। LED टेल लाइट इसमें भी देखने को मिल जा रही है एंड यहाँ पे आपको सारी चीज़ें सिमिलर ही देखने को मिल जाएंगी। लेकिन यहाँ पे ना इस गाड़ी का जो सीट कवर है वो चेंज किया गया है। यहाँ पे ग्राफिक्स पहले आप देखेंगे ना तो काफ़ी अलग सी दी गई है, हनीकॉम पैटर्न में ना यहाँ पे ग्राफिक्स देखने को मिल जाती है। एंड ये पूरा पैनल ना इसका बॉडी कलर में दिया जा रहा है, यहाँ से आप इसकी सीट ओपन भी कर सकते हैं। एंड 125 की इसमें पूरी बैजिंग की जा रही है और उसमें भी आपको सिमिलर देखने को मिलता है, लेकिन ये वाला ना काफ़ी अच्छा लग रहा है। मतलब उससे कंपैरिजन में इसकी लुक्स ना काफ़ी तगड़ी दी गई है। बाकी वहाँ तक पूरा स्टिकर का यूज़ किया गया आप देख सकते हैं। बात करें ना इसके हैंडल के बारे में तो भाई सबसे पहले इसका आप टैंक देख सकते हैं, 9.5 लीटर का ना इस गाड़ी में टैंक दिया जा रहा है। E20 फ्यूल को सपोर्ट करता है, मतलब दोनों टैंक साइज ना सिमिलर ही देखने को मिलती है दोनों गाड़ियों की। लेकिन यहाँ पे आप ग्राफिक्स देखेंगे ना तो ये काफ़ी बढ़िया लग रहा है, उसमें सिंपल ही ग्राफिक्स देखने को आपको मिल जाती है। एंड सिंगल हैंडल दी जा रही है, यहाँ पे हैंडल बार भी छोटा सा मिल जाता है दोनों ही वेरियंट में। इसके मीटर को ना मैं बंद कर देता हूँ पहले। बात करें मीटर कंसोल की तो भाई फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल इसमें दिया गया है इसके टॉप एंड वेरिएंट में। यहाँ पे आप देख सकते हैं सारी चीज़ें इसमें दी जा रही है। यहाँ पे इसका फ्यूल गेज प्लेस किया गया है और भाई ये ब्लूटूथ कनेक्टिविटी के साथ में आता है, कॉल एंड मैसेज अलर्ट जैसे फीचर्स ना इसके मीटर कंसोल पर दिया गया है। एंड यहाँ पे एक बटन भी मिल जाता है जिससे आप इसके मीटर को एडजस्ट कर सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी, एवरेज ट्रिप, ए ट्रिप बी क्लॉक, ब्लूटूथ और इंस्टेंट फ्यूल इकोनॉमी मैंने आपको बताई दिया। मतलब काफ़ी सारे फीचर्स ना इसके टॉप एंड वेरिएंट में आपको मिल जाएंगे इसके मीटर कंसोल पे। यहाँ पे टाइम भी शो करेगा एंड यहाँ पे इसका ऑडोमीटर प्लेस किया गया, मतलब ट्रिप ए ट्रिप बी एंड यहाँ पे ऑडोमीटर इसका दिया गया है। यहाँ पे इसका स्पीडोमीटर प्लेस किया गया, RPM मीटर ना मेरे ख्याल से इसमें नहीं दिया गया है। ये देखिए RPM मीटर इसमें नहीं देखने को मिलता। एंड गियर इंडिकेटर भी इस वाले वेरिएंट में, मतलब N125 में गियर इंडिकेटर भी नहीं देखने को मिलता। यहाँ पे न्यूट्रल की लाइट दी गई है आप देख सकते हैं और यहाँ पे ना सारी लाइटें आपको देखने को मिल जाएंगी, FI लाइट, हाई बीम लाइट। एंड यहाँ पे ना इस वाले वेरिएंट में आपको टॉप एंड वेरिएंट में ना यहाँ पे आप देखेंगे तो आइडियल स्टार्ट स्टॉप का भी फीचर देखने को मिल जा रहा है, जो खासकर हीरो की गाड़ियों में देखने को मिलता है। जिससे आप गाड़ी बंद करके फिर इसको ऑन करेंगे ना तो गाड़ी बंद करके जब इसका क्लच दबाएंगे ना तो गाड़ी अपने आप स्टार्ट हो जाएगी। आप सबको तो पता ही है कैसे काम करता है। बाकी मीटर कुछ इस तरीके का इसमें दिया गया है। यहाँ पे हाई लो बीम पासिंग स्विच एक ही में इंटीग्रेट किया गया है, मतलब 3-in-1 स्विच इसमें दी जा रही है। बाकी यहाँ पे इसका सारा कंट्रोल आप देख सकते हैं सिंगल हॉर्न के साथ में आती है। यहाँ पे इंजन किल स्विच और जब इसका इंजन किल स्विच ऑन करेंगे ना तो यहाँ पे इसके मीटर कंसोल पे लिख के भी आएगा, जो काफ़ी बढ़िया फीचर है ये। यहाँ पे आइडियल स्टार्ट स्टॉप के लिए स्विच मिल जा रहा है, सेल्फ बटन इसका यहाँ पे प्लेस किया गया है। बाकी ब्रेक लीवर एंड यहाँ पे क्लच आप इसका देख सकते हैं, काफ़ी लाइट क्लच इस गाड़ी में दिया जा रहा है। अब चलते हैं ना उसके मीटर कंसोल की तरफ बेस वेरिएंट के। यहाँ पे आप देखेंगे सिर्फ पासिंग बटन इसमें दी जा रही है और हाई लो बीम के लिए ना यहाँ पे स्विच दी जा रही है। मोड चेंज करने के लिए ना यहाँ पे वो स्विच नहीं दिया जा रहा है, मतलब इसके मीटर को एडजस्ट करने के लिए यहाँ पे स्विच नहीं देखने को मिलता। बाकी यहाँ पे इंडिकेटर स्विच, हॉर्न स्विच दी जा रही है एंड यहाँ पे इंजन किल स्विच स्टार्ट करने के लिए बटन देखने को मिल जाता है। और चाबी ना इसकी भी बिल्कुल सेम है टॉप एंड वेरिएंट की तरह। बात करें मीटर कंसोल की तो भाई यहाँ पे आप देख सकते हैं इसमें सेमी डिजिटल मीटर कंसोल दिया जा रहा है। छोटी सी इसमें MID देखने को मिल जाती है, इसमें सारी इन्फॉर्मेशन आप देख सकते हैं अपने हिसाब से। और यहाँ पे ना कोई भी बटन वगैरह नहीं दिया गया है, मतलब ट्रिप वगैरह भी इस वाले मीटर में आपको नहीं देखने को मिलेगी। यहाँ पे इसका फ्यूल गेज प्लेस किया गया है, स्पीडोमीटर यहाँ पे दिया गया है एंड यहाँ पे इसका ऑडोमीटर प्लेस किया गया। इतनी इन्फॉर्मेशन इसके मीटर कंसोल पे दी जा रही है। यहाँ पे इंडिकेटर लाइट, हाई बीम लाइट ये देखेंगे ना, यहाँ पे हाई बीम लाइट, न्यूट्रल लाइट, FI लाइट एंड यहाँ पे साइड स्टैंड के लिए ना लाइट दी जा रही है। ये अभी देखिए यहाँ पे साइड स्टैंड की लाइट ऑन हो गई है। बस इतना ही ना इसके मीटर कंसोल पे आपको इन्फॉर्मेशन देखने को मिलेगी। एंड काफ़ी मतलब बेसिक साइज में मीटर कंसोल दिया जा रहा है, लेकिन लुक वाइज ना काफ़ी बढ़िया लग रहा है देखने में, मतलब वो भी अच्छा लग रहा है, लेकिन ये वाला उससे ज़्यादा अच्छा लग रहा है पता नहीं क्यों। और भाई गाड़ी की लाइट आप देख सकते हैं, हेडलाइट काफ़ी बेहतरीन क्वालिटी की इस गाड़ी में लाइट दी जा रही है। आपको लाइट वगैरह से ना कोई भी प्रॉब्लम नहीं आने वाला है। यहाँ पे USB चार्जिंग पोर्ट दोनों में आपको देखने को मिल जाएगा, फ़ोन वगैरह अपना आप चार्ज कर सकते हैं यहाँ से। एंड बात करें ना अब इसके मतलब सारे चेंजेस मैं आपको गिना देता हूँ। तो सबसे पहले आप देखेंगे तो यहाँ पे ग्राफिक्स इसकी अलग है टॉप एंड वेरिएंट की, एंड उसमें ना दूसरी ग्राफिक्स आपको देखने को मिल जाती है। तो फ्रंट में इतना ही चेंज है, बाकी यहाँ पे भी ग्राफिक्स चेंज की गई है। तो भाई फ्रंट में कुछ इतना चेंजेस देखने को मिल जाता है। और जो दूसरा इसका सबसे बड़ा चेंज है ना, तो इसमें यहाँ पे आप देखेंगे तो सेल्फ मोटर नहीं प्लेस किया गया, जो बेस वेरिएंट में आपको देखने को मिल जाता है। यहाँ पे भी ग्राफिक्स चेंज किया गया है। मीटर कंसोल इसमें फुल्ली डिजिटल मीटर कंसोल दिया जा रहा है, इसमें आपको नॉर्मल सा मीटर कंसोल दिया गया है। एंड रियर में ना इसका टायर चेंज है, इसमें रियर में 110 सेक्शन का वाइड टायर दिया जा रहा है MRF कंपनी का, उसमें C8 का टायर मिल जाता है 100 सेक्शन का। एंड सारी चीज़ें आपको रियर में भी सिमिलर ही देखने को मिल जाएंगी। सीट इसकी भी यहीं से ओपन होती है, उसकी भी वहाँ से ही ओपन होती है। तो भाई कुछ इतना इसमें चेंजेस देखने को मिल जाता है दोनों वेरियंट में। और गाड़ी बिल्कुल
परफेक्ट बनाई गई है बजाज की तरफ से। लुक्स वगैरह ना एक नंबर का देखने को मिल जाता है, मतलब कुछ लोगों को तो पसंद आने वाली है काफ़ी ज़्यादा, लेकिन जैसे जो ओल्ड पर्सन है ना जिनकी एज 30 से 35 साल है तो उन लोगों को ना ये गाड़ी नहीं पसंद आने वाली है, क्योंकि इसमें ना जैसे हिमालयन टाइप का फ्रंट में लुक दिया जा रहा है जो भाई यंगस्टर लोगों को ही पसंद आने वाला है। बाकी आपको ये गाड़ी कैसी लगी बजाज की पल्सर N125 हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। और इसमें कुछ मतलब बेस वेरिएंट से टॉप एंड वेरिएंट में कुछ इतना डिफरेंस ही देखने को मिलता है, बाकी मतलब कोई भी बड़ा डिफरेंस नहीं दिया गया इस मीटर कंसोल को छोड़कर, सारी चीज़ें आपको सिमिलर ही देखने को मिल जाएंगी। प्लस पावर ना इस गाड़ी की काफ़ी ज़्यादा दी जा रही है, मतलब इतने कम प्राइस में आपको 12 PS की पावर दी जा रही है बजाज की तरफ से। जैसे आप होंडा की यूनिकॉर्न चेक करेंगे ना तो वो 160 सेगमेंट की गाड़ी है, उसमें 12 PS की पावर दी गई है, लेकिन ये 125 CC सेगमेंट की गाड़ी है, प्लस 1,20,000 रुपये में आपको मिल जा रही है और इसमें भी 12 PS की पावर दी जा रही है कंपनी की तरफ से, जो भाई काफ़ी नेक्स्ट लेवल वाली बात हो जाती है बजाज की तरफ से, और जिसकी वजह से ये गाड़ी काफ़ी ज़्यादा सेल भी होने वाली। मतलब पावर फिगर ना इस गाड़ी का काफ़ी तगड़ा दिया जा रहा है 125 CC सेगमेंट के हिसाब से। तो भाई कैसी लगी आपको बजाज की पल्सर N125 हमें कमेंट्स में ज़रूर बताएं। वीडियो अगर पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं किसी और नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय एंड टेक केयर। और भाई मैं शोरूम का भी नंबर दे दूँगा, अगर आप अयोध्या से हैं ना तो यहाँ पर कॉन्टैक्ट भी कर सकते हैं।